हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट स्टडी चैनल और होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आपने देखा है कि एग्ज़ाम जो है वो अभी आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है सभी की जो है वो तैयारी बड़े ज़ोरों पे चल रही होगी। और उसी के रिगार्डिंग एक बड़ी अच्छी वीडियो ज्योग्राफी से रिलेटेड मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें रिवर और उसके जो डैम है, इम्पोर्टेंट डैम, वैसे बहुत डैम हैं बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बार जो पूछे गए हैं उन्हीं को मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सभी मैं यहाँ पे कवर करूँगा। ओके, तो उसके बाद जो है इन डैम से क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका कुछ भी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ऊपर दिखा देता हूँ, ये रहा जी हमारा कश्मीर। और दो इसमें आप देख सकते हो, एक सलाल प्रोजेक्ट लिखा है, एक भाखड़ा नंगल डैम जो है वो लिखा है। तो यहाँ हम दो पढ़ेंगे, एक सलाल और एक पढ़ेंगे भाखड़ा। ओके, चलिए तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले मैं पढ़ने वाला हूँ ये सलाल डैम है जी। ओके, सलाल प्रोजेक्ट इसको यहाँ पे लिखा है, सलाल प्रोजेक्ट है ये, सलाल डैम जिसको हम बोल सकते हैं। ओके, सर सबसे पहले तो यही आ जाता है कि किस रिवर पे है, तो आपको याद रखना है ये चेनाब रिवर के ऊपर है। कहाँ पे है जी? चेनाब रिवर के ऊपर। और अगर पूछ लेता है कि किस इसमें है, स्टेट में है, अब तो जैसे ये जम्मू एंड कश्मीर में है बट जम्मू कश्मीर अभी स्टेट नहीं रहा। ओके, तो अभी वो यूनियन टेरिटरी जो है वो बन चुका है। ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ इसे सलाल प्रोजेक्ट के बारे में, ये फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो इंडिया के द्वारा कश्मीर में जो है वो बनाया गया था। और ये इंडस वाटर ट्रीटी रिजाइम के तहत जो है इसको बनाया गया था, इंडस वाटर ट्रीटी, ये मैंने बात की है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये कब साइन हुई थी जी? ये साइन हुई थी 19 सितंबर 1960 को, बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। 1960 में जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी। उसके बाद अब मैं दूसरे की बात करता हूँ जी, वो है आपका भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा नंगल डैम, ओके, ये है। ये कहाँ पे है जी? ये मैं आपको बता देता हूँ, ये है जी हिमाचल प्रदेश में। और ये किस नदी के ऊपर है जी? ये है जी सतलुज रिवर के ऊपर। कहाँ पे है जी? सतलुज रिवर के ऊपर है ये। और एशिया का सेकंड टॉलेस्ट डैम है। क्या बोला है जी मैंने? एशिया का सेकंड टॉलेस्ट डैम है ये। अगर ये सेकंड है तो फर्स्ट कौन सा है जी? फर्स्ट है टिहरी डैम। अगर ये बात पूछ लेता है कि टिहरी डैम जो है वो कहाँ पे है, वो है जी आपके उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। और किस रिवर के ऊपर है जी? वो है आपके भागीरथी रिवर के ऊपर है ये। ओके, तो है यहाँ पे हमने दो डैम कवर किए हैं जी, एक तो भाखड़ा नंगल डैम और एक किया है जी टिहरी, जो किसके ऊपर है जी? भागीरथी के ऊपर। अच्छा, भाखड़ा नंगल डैम की एक बात और पूछ लेता है कि जो इसका जो रिजर्वर है, ओके, जो जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, जो लेक है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है जी गुरु गोविंद सागर लेक। गुरु गोविंद सागर लेक जो है उसका नाम है। ओके, चलिए अब हम जो है वो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बार मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। चलिए अब आप अगर यहाँ राजस्थान गुजरात की तरफ देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या है? राणा प्रताप है, गांधी सागर है, कोटा बैरेज है। ओके, तो ये तीन हैं। अब हम जो है यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो एक चंबल रिवर है जो यमुना नदी में आकर के मिलती है। यमुना नदी की जो है वो ट्रिब्यूटरी है, चंबल रिवर के ऊपर जो है ये बने हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी राणा प्रताप सागर डैम की। राणा प्रताप सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम के बारे में मैं बात करता हूँ, तो ये कहाँ पे है जी? ये है आपके राजस्थान में। और किस रिवर के ऊपर है? अक्रॉस चंबल रिवर। तो ये याद रखना है, चंबल रिवर के ऊपर क्या है जी? राणा प्रताप सागर डैम है। दूसरा चंबल रिवर के ऊपर क्या है? इसके नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे,
ये है जी गांधी सागर डैम। क्या है जी यहाँ पे, ये गांधी सागर डैम। ओके, गांधी सागर डैम के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। गांधी सागर डैम कहाँ पे है जी, जो गांधी सागर डैम है, पहले हमने पढ़ा था राजस्थान में राणा प्रताप, जो गांधी सागर है वो है जी आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है जी वो, मध्य प्रदेश में है। और किस नदी के ऊपर है जी वो, वो सेम नदी है जी चंबल, चंबल रिवर के ऊपर ही जो है वो ये डैम है। ओके, और आपको मैं बता देता हूँ, जो चंबल रिवर है वो लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है जी किसकी, यमुना की। और यमुना लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है गंगा की, और गंगा सबसे लंबी नदी है इंडिया की। ओके, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा है जी, राणा प्रताप, गांधी सागर, उसके बाद एक और रहता है जी यहीं पे है चंबल रिवर के ऊपर है जी, वो है आपका कोटा बैरेज। कोटा बैरेज है जी, ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। किस नदी के ऊपर है जी, ये चंबल रिवर के ऊपर है, ये चंबल रिवर के ऊपर है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा है जी, एक तो पढ़ा है कोटा बैरेज किसके ऊपर है जी, चंबल रिवर के ऊपर। दूसरा हमने क्या पढ़ा है जी, राणा प्रताप डैम पढ़ा है, कहाँ पे है जी ये, राजस्थान में है। किस नदी के ऊपर है, चंबल रिवर के ऊपर है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है जी, गांधी सागर डैम कहाँ पे है जी, मध्य प्रदेश में है। किस नदी के ऊपर है, चंबल रिवर के ऊपर है। तो तीन पढ़े हैं, कोटा, राणा प्रताप और गांधी, याद रखने हैं जी। अच्छा, अगर मैं आपको चंबल रिवर के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या क्या है, कहाँ पे है ये जो चंबल रिवर है, जो चंबल रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में क्या है जी, विंध्यांचल और सतपुरा है। तो विंध्यांचल जो रेंज है वहाँ से जो है ये ओरिजिनेट होती है, ये याद रखना है जी। चंबल रिवर मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। ओके, तो अब हम दूसरे डैम की तरफ चलते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है जी कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के ऊपर आता है जी, कोयना है, तुंगभद्रा डैम है और नागार्जुन सागर डैम है। ओके, कौन कौन से डैम है जी, कोयना है, तुंगभद्रा है और नागार्जुन सागर डैम है। इससे पहले एक रह चुका है सरदार सरोवर डैम। ओके, जो नर्मदा नदी के ऊपर आप यहाँ पे देखोगे। ओके, चलो पहले सरदार सरोवर डैम ही हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था कुछ दिनों पहले। सरदार सरोवर डैम कहाँ पे है जी, आपको पता है गुजरात में है, और किस नदी के ऊपर है, नर्मदा नदी के ऊपर है। किस नदी के ऊपर है, नर्मदा नदी के ऊपर है। दो नदियां याद रखनी है जी, नर्मदा और तापी। कहाँ पे है, ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं जी हमारी। ओके, नर्मदा और तापी, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, याद रखना है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के ऊपर गुजरात में है। तो अब हम पढ़ते हैं जी यहाँ पे, ये नीचे है कोयना, तुंगभद्रा और नागार्जुन सागर डैम। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ जी कोयना। कोयना डैम, तो कोयना डैम की अगर मैं बात करता हूँ, ये कहाँ पे है जी, ये है आपके महाराष्ट्र में। और कोयना डैम महाराष्ट्र में कहाँ पे है, कोयना रिवर के ऊपर। डैम का नाम भी कोयना है और रिवर का नाम भी क्या है जी, कोयना है। और जो अगर मैं बात करता हूँ कि कोयना रिवर कहाँ से होती ओरिजिनेट होती है, सह्याद्री, जो सह्याद्री रेंज है। ओके, अभी आपने हमने विंध्याचल और सह्याद्री आपको बोला था नहीं, तो वहाँ से ओरिजिनेट होती है जी ये कोयना रिवर। अब मैं बात करता है जी तुंगभद्रा की, तुंगभद्रा की बात करता हूँ। तो तुंगभद्रा आपको पता ही है कि कहाँ पे, किस नदी के ऊपर में, तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा ही डैम है। ओके, अब इससे रिलेटेड जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तुंगभद्रा डैम जो है, इसको क्या, इसको जो है पंपा सागर भी इसको बोला जाता है, पंपा सागर डैम। ओके, और ये कहाँ पे है जी, ओके, ये कहाँ पे है, जो तुंगभद्रा डैम है ये है जी कर्नाटका में, कर्नाटका में आपको ये देखने को मिलेगा। अब इसका एक रह जाता है जी नागार्जुन सागर डैम। ओके, कौन सा रह जाता है जी, नागार्जुन सागर डैम।
नागार्जुन सागर डैम रह जाता है, किस नदी के ऊपर है जी? ये कृष्णा नदी के ऊपर है, और कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, दो स्टेट हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी के ऊपर है, ये बड़े अच्छे से जो है आपको वो याद रखने हैं। अब मैं आपको नीचे ले करके चलता हूँ यहाँ पे, उसके बाद जब आप तमिलनाडु केरला की साइड देखो, एक पेरियार है, एक मैतूर है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जी मैतूर डैम के बारे में, कहाँ पे मिलेगा आपको ये? मिलेगा जी आपको तमिलनाडु में, और किस नदी के ऊपर आपको मिलेगा ये? ये मिलेगा जी कावेरी रिवर के ऊपर। तमिलनाडु में क्या पड़ा है? मैतूर डैम पड़ा है, ओके। और उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं जी पेरियार डैम। पेरियार डैम को पूरा नाम क्या है जी? मुल्ला पेरियार डैम। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? पेरियार नदी है, ओके, बड़ी फेमस नदी है। कहाँ की है जी? केरला की। तो ये डैम भी कहाँ पे है जी? केरला में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो हमने इस साइड के सारे कवर किए हैं। अब हम जो है वो इस साइड चलते हैं, हीराकुंड डैम, तलैया, रिहांद, इस साइड जो है ये चार पांच डैम हैं, इनको अब हम कवर करने वाले हैं। चलिए अब आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हीराकुंड डैम है, रिहांद है, तलैया है, मैथोन है, कोनार है, पेंचट है, ये चार पांच है, अब आपको मैं ये कवर कराऊंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम बात करते हैं जी हीराकुंड डैम की। हीराकुंड डैम की मैं बात करता हूँ, किस नदी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा ये? ये महान नदी के ऊपर है जी हीराकुंड डैम। और ये किस स्टेट में है जी? ये याद रखना है, उड़ीसा में। यही पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको देगा कि हीराकुंड डैम दे देगा और पूछ लेगा कि किस नदी के ऊपर है, डायरेक्ट पूछेगा, या फिर पूछ लेगा कि किस स्टेट में है। आपको ये ज़रूर याद रखना है, किस नदी के ऊपर, किस स्टेट में, ओके। और इससे रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा मैं आपको करा रहा हूँ, ओके। तो अब मैं बात करता हूँ जी रिहांद डैम के बारे में। ये रहा यहाँ पे रिहांद डैम के बारे में, अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये है जी यूपी में। कहाँ पे है जी? यूपी में। और किस रिवर के ऊपर है जी? रिहांद रिवर के ऊपर ही ये है, इसी रिवर के ऊपर जो है ये बना है, ओके। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट भी आपको बताता हूँ। अब जो इसका रिजर्वर है वो क्या है जी? गोविंद बल्लभ पंत सागर, ओके, जहाँ पे इसका पानी रुकता है, लेक बनाया गया है जी। नाम क्या बोला है मैंने आपको? गोविंद बल्लभ पंत सागर, ओके। ये इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है जी। क्या बोल रहा है? इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। और ये किसका लेक है? ये रिहांद डैम के पास बनाया गया लेक है, ओके। कहाँ पे है जी डैम? यूपी में है। किस नदी के ऊपर है? रिहांद नदी के ऊपर है। चलिए अब हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं जी वो है आपका कोनार, ओके। अब मैं देखो, अब हम ना यहाँ पे चार डैम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से पढ़ने वाले हैं जी? एक तो है कोनार, दूसरा है जी पेंचट, तीसरा है जी तिलैया, और चौथा कौन सा है जी? मैथोन। ये जो चार के चार हैं इनको दामोदर वैली प्रोजेक्ट के नाम से जो है ये जाने जाते हैं। चारों के चारों को आप याद रखेंगे। चलिए अब हम एक एक करके जो है वो पढ़ते हैं कि कौन कौन किसके ऊपर है चार के चार डैम में। कुछ विशेषता भी मैं आपको बताऊंगा। जो कोनार डैम है ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? ये कोनार रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ कि किस स्टेट में है ये, तो आप बोलोगे जी ये झारखंड में है, और ये दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। जो कोनार रिवर है वो दामोदर रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है,
कुनार डैम झारखंड में कुनार रिवर के ऊपर। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जी पंचेट डैम, ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा जी दामोदर रिवर के ऊपर। कहाँ पे मिलेगा, दामोदर रिवर के ऊपर, और कहाँ किस स्टेट में है जी, झारखंड में है पंचेट डैम। उसके बाद आता है जी तिलैया डैम, ये किसके ऊपर है जी, एक रिवर है बाराकर रिवर। बाराकर रिवर है और ये डैम कहाँ पे है जी, झारखंड में है। और लास्ट जो अपने के पास रहता है डैम वो है जी मैथोन डैम, कहाँ पे है जी, ये भी सेम रिवर है बाराकर रिवर। और किस स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, झारखंड में। तो अब आप देखना कोनार डैम भी झारखंड में है, पंचेट भी, तिलैया भी और मैथोन भी, ये चार के चार डैम झारखंड में हैं। बड़े इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कोनार, पंचेट, तिलैया एंड मैथोन। ओके, KTPM याद रख सकते हो, कौन था PM, अपना PM कौन था, PM कौन था, कौन था PM, याद रख सकते हो आप। ओके, तो ये थे जी हमारे इम्पोर्टेंट डैम। डैम तो और भी बहुत हैं, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको कवर कराने की कोशिश की है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।